मेरा नाम पंकज टिटोरिया है और मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन फिल्म एक्टर, 13 सालों से बॉम्बे में। जिंदगी में मैंने कभी भी एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं सोचा था। दुनिया में 7 अजूबे हैं, 8वां अजूबा ये है कि फिल्म एक्टर पंकज टिटोरिया एमवे बिजनेस कर रहा है। दोस्तों, बचपन से एक ही सपना था, फिल्म एक्टर बनना, और फिल्म एक्टर ही बना। आज भी एक्टर हूँ, एक्टिंग छोड़ी नहीं है और पार्ट टाइम में हम ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। हम ये बिजनेस में कैसे आए आज आपको बताएंगे, क्यों आए वो बताएंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरी बैकबोन, मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी सब कुछ, मेरी शक्ति, जिसकी बदौलत मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, आप उनको सुने। तो हेल्प मी वेलकम अमिता टिटोरिया जी। थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ा शुक्रगुजार करती हूँ उस भगवान का जिसकी कृपा से आज हम स्टेज पे खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं सर्विस में होते हुए आज इस बिजनेस में कैसे अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊंगी और हमें इस बिजनेस की क्यों ज़रूरत है ये बताऊंगी मैं आपको थोड़ा सा। सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये गॉड प्लान था, शुरू से ही प्लान था। ये हमारी कुंडली में लिखा गया था कि ये हमारे साथ होने वाला है। इसीलिए जब हम बचपन में हम छोटे थे तो पापा एक ही बात बोलते थे कि अमिता बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी आदमी बनेगी, हमेशा ये बोलते थे। ये सब पता नहीं क्या हुआ, हमें तो पता नहीं था कि इतना सब शक्ति होती है, बोलने के अंदर इतनी शक्ति होती है। लेकिन आज रियलाइज़ होता है कि हम लोग जो पहले सीड बो देते हैं वो बाद में एक बड़ा पेड़ बनता है, वही आज हमारे सामने हुआ है। मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन जो ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है सारे बिजनेस फेल हो गए थे। जब हम बड़े होने लगे तो हम बहुत क्राइसिस में, हम लोग बहुत बड़े हुए हैं, हमारे इतनी बुरी हालत हो गई थी कि हम लोग पढ़ाई के लिए, हमारे लिए पैसे की प्रॉब्लम्स हो गई थी। लेकिन हम लोगों ने कभी अपना दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ा कि हम लोग पढ़ेंगे ही। मेरा ये शुरू से लगन थी कि मैं पढ़ाई तो ज़रूर करूँगी, भले ही कितने प्रॉब्लम्स क्यों ना आए। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने पढ़ाई की, सारा दिन हम लोग काम करते थे, फिर पढ़ाई करते थे, प्राइवेट फॉर्म भर दिया और ऐसे करके हमारी एजुकेशन कंप्लीट हुई। देहरादून से मैंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट किया, उसके बाद कंप्यूटर, कार्ड पंचिंग ये सब करके डिप्लोमास लिए और फिर जॉब की तलाश, जैसे होता है जॉब ढूंढने निकले। जॉब ढूंढने से जल्दी मिलता नहीं है तो लाइफ स्ट्रगलफुल थी। जब मैं 12th में थी तो टिटोरिया साहब से मेरी मुलाकात हुई एक फंक्शन में और वहाँ से हमारी लाइफ थोड़ा चेंज होने लगी, लेकिन स्ट्रगल था साथ में। फिर मैंने इन्हें बोला, हमारी मुलाकात हुई, हमने बोला हम मिलके दोनों एक संसार बनाएंगे और वो संसार भगवान की मर्जी से बनना था। और हम स्ट्रगल करते करते हमने 4 साल के बाद हमारी शादी हुई और पंकज जी अपना बॉम्बे चले गए और शादी के 3 महीने के बाद मेरे जॉब लग गया ONGC में और हमारी लाइफ थोड़ी और स्मूथ होने लगी। जब हम बॉम्बे गए, बॉम्बे में जाने पर हमारी 1 साल की बेटी थी और मैं बॉम्बे जैसी जगह में घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन पैसे की शॉर्टेज थी, कैसे कैसे हम लोग घर चलाते थे हमें पता है, क्योंकि हमें किसी से मांगना नहीं था। लेकिन अपने बलबूते हमें जो बनना था, हमें सेल्फ डिपेंड बनना था, इसलिए हमारा एक उद्देश्य था कि हम जो करेंगे दोनों मिलके करेंगे। ये स्ट्रगल कर रहे थे, मैं भी अपना सर्विस से जो मेरी अर्निंग होती थी उसी से हम घर सर्वाइव कर रहे थे। आज से 2 साल पहले जब हम बिजनेस दिखाई दिया तो जब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, आपको पंकज जी बताएंगे कैसे उन्होंने ये मैनेज किया, लेकिन इस बिजनेस की बदौलत आज मैं बता दूं, मेरी 11 साल हो गए शादी को, आज तक हम कभी भी कहीं ऐसी जगह हम घूमने नहीं गए जो कि हम कह सकें हम लाइफ में कहीं घूमने गए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। और ना ही हमने कभी कोई फंक्शन अटेंड किए थे, ना ही कोई हमने फेस्टिवल मनाए थे, हमारी लाइफ ऐसी थी। लेकिन हमारा एक दूसरे के प्रति इतना कमिटमेंट था कि मैं आपको आगे बढ़ाने में, मेरी चाहे कितनी भी जान पे बने, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा पहला कमिटमेंट था पंकज जी के साथ। हम लोगों ने ऐसे दिन भी देखे हैं कि हमने 1 टाइम सब्जी बनाई और 3 टाइम हमने खाई है, वो दिन भी हमने देखे हैं। बच्चे का, बेटी का बर्थडे होता था और पैसे नहीं होते थे, हमने वो दिन भी देखे हैं। इस बिजनेस की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, जब हमने देखा तो हमारा इतना विश्वास नहीं था
पंकज जी ने बिजनेस देखा तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं डिग्रियां आड़े आ जाती हैं, तो मुझे भी लगा कि बिजनेस ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉड है इसमें। मुझे बहुत गुस्सा आया जब ये सुन के आए, लेकिन इन्होंने एक बात बोली, अमिता अक्टूबर में तुम्हें सरप्राइज देने वाला हूँ और हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं घूमने के लिए। मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आई, मैंने कहा अब्रॉड, आप तो कभी इंडिया में अंदर नहीं घुमाया, तो अब्रॉड की तो बात ही अलग है। तो मेरे लिए तो एक सरप्राइज चीज़ थी, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। लेकिन उसी दिन तब तक इंडिया में बिजनेस लॉन्च नहीं हुआ था, ये अप्रैल की बात है। तो तब ये फरजाना जी के यहाँ पर प्लान देख कर आए और बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन वही होता है अगर हस्बैंड बिजनेस देख ले वाइफ ना देखे तो एक्साइटमेंट का कोई मज़ा नहीं आता, वही मेरे साथ हुआ। और पंकज जी ने आके मुझे जब बताया तो मैंने बिल्कुल इधर से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन इसी बीच फिर फरजाना एडम और सुधा जी का फ़ोन आया मेरे पास और फरजाना जी बोलने लगी अमिता हमारे घर पे ऐसे ऐसे करके ल्यूरीगन आ रहे हैं और आप आके देखो। तो मैं बिना मन से वहाँ पर चली गई, बहुत गर्मियाँ थी और एक कमरे में इतने लोग बैठे हुए थे, खचापच और सब पसीने में लथपथ थे। तो वहाँ जाके बैठी, पहले तो सफोकेट होने लगे और हम लोग जब देखा ल्यूरीगन साहब को, और वो अमेरिका से आए हैं और पायलट रह चुके हैं और एयरफोर्स में रह चुके हैं, मैं बोली अगर ये आदमी अपने पैसे से खर्च करके अगर इंडिया पहुँचे हैं तो कुछ तो ज़रूर बात है। इंग्लिश इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि उनका एक्सेंट बिल्कुल अलग था, लेकिन इतना विश्वास हो रहा था कि अगर ये जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है। सुधा जी से जब वो सब फंक्शन ख़त्म हुआ, सुधा जी ने बताया कि अमिता तुम्हारे हाथ में खजाना लगा है, इस खजाने को एकदम पकड़ लो। मैं को बिल्कुल विश्वास नहीं, मैं कलयुग में खजाना, सतयुग में नहीं खजाने मिलते थे, कलयुग में खजाना कहाँ से मिल सकता है, बिल्कुल विश्वास नहीं था। लेकिन सुधा जी की बात कहीं ना कहीं दिल के कोने में वो माइंड कर गई कि ये खजाना है क्या, देखने में क्या जाता है। तभी वहाँ पर हमारे ब्रिट ओपन शुरू हो गए पाटकर हॉल में और हम लोगों ने जाना शुरू किया, तब हमारा थोड़ा थोड़ा विश्वास उसमें बढ़ गया बिजनेस में। आज इस बिजनेस की बदौलत मैं आपको बता दूं, जो दो साल में हमारी लाइफ में चेंज आया है वो मेरे 30 साल की उम्र में भी वो मेरे को नहीं मिला था, क्योंकि हमारे पापा का इतना सा वो नहीं था। क्योंकि जब हम बड़े हुए तो पापा के पास पैसे नहीं थे और जब हम शादी होकर आए तब हमारे हस्बैंड के पास नहीं थे। लेकिन आज से मैं बता दूं आपको, विश्वास कीजिए कि 2 साल के अंदर मैंने वो खुशियाँ पा ली जो मेरे को आज तक नहीं मिली थी। वो खुशियाँ मैं आपको बता दूं, पहले तो हम लोग लोकल घूमे इस बिजनेस के माध्यम से, पहले गोवा गए, गोवा में इंजॉय किया और उसके बाद हम लोग अभी बैंकॉक से जब आए हैं, सब हमारे साथ थे चेतन जी और भारी साहब, हम लोग और बहुत से लोग हैं जो बैंकॉक में हम लोग जो इंजॉय कर रहे थे, वो इंजॉय देख करके लगता है कि ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है और हमारी लाइफ में यही होने वाला था। फिर मुझे अपने पापा के शब्द याद आए कि वो जो पापा ने बोला था एक दिन सोने की थाली में खाना खाएगी, वो शब्द आज पूरे हो गए। इस बिजनेस में जो हमारी पर्सनैलिटी, पहले मैं एक ऐसी लड़की थी कि ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, अगर कोई मुझसे बात करता था तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं इसका कुछ मतलब है, ये नेचर था। क्योंकि मैं कंप्यूटर के सामने बैठती थी तो कंप्यूटर के सामने वैसे बैठने वाले कम बोलते हैं, मेरा वो नेचर था, मैं और मेरा काम बस इतना मुझे पसंद था। मुझे कोई घर में आ जाए तो ज़्यादा टेंशन होने लगती थी, ज़्यादा भीड़ हो तो मुझे टेंशन होने लगती थी। लेकिन आज इस सिस्टम में मुझे इतना चेंज कर दिया, मेरी पर्सनैलिटी इतनी चेंज हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी इनर ग्रोथ इतनी हुई है इस बिजनेस में। पहले मैं बहुत घबराती थी, क्राउड में जाना घबराती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में आने के बाद मेरी जो लाइफ में चेंज आया है, हो सकता है आपकी भी लाइफ में वो आने वाले सालों में इतना चेंज होगा कि आप खुद आके यहाँ पे स्टेज पे बताएंगे कि आप जब फील करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ फील की जाती है, आज हम इस खुशी को फील कर रहे हैं, आप भी फील कर सकते हैं। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं लेकिन टाइम की शॉर्टेज है, तो मैं आपको बस इतना ही बताया, मैंने ब्रीफ में बताया है कि हमारी लाइफ क्या थी और आज क्या है। मैं आपको बता दूं, मेरी बेटी आज जो बोलती है, क्योंकि हमने बहुत कंप्रोमाइज़ किया लाइफ में, हम चाहते हैं आप वो कंप्रोमाइज़ ना करें। कंप्रोमाइज़ सिर्फ आदमी तब करता है जब उसके पास चॉइस ना हो, लेकिन आज हमारे पास चॉइस है, इसलिए कंप्रोमाइज़ का दरवाज़ा बंद कर दिया और हम लोग अपनी चॉइस को आगे लेकर के, अपने ड्रीम को इतना आगे लेकर जा रहे हैं। और दोनों मिलके इस बिजनेस में 100% कंट्रीब्यूशन के साथ मैं अपने हस्बैंड को हेल्प करती हूँ, इसलिए मैं 100% लेने का भी हक रखती हूँ कि वो जितना पैसा आए मेरे को मिल जाए, क्योंकि मैंने कंट्रीब्यूशन दिया है। और कभी भी
आज तक पंकज जी मुझे यही बोलते थे। वैसे तो मैं कभी कुछ मांगती नहीं थी, लेकिन जब भी मैंने कुछ ऐसा किया तो मैं खुद ही कंजूसी करती थी कि पैसा ना खर्च करूं। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि पंकज जी मुझे बोलते हैं कि तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। हम लोग बैंकॉक गए, हमने वहाँ शॉपिंग किया। हेमी जी बहुत सारी ज्वेलरी लेके आई थी तो सबको सब दिखा रही थी, तो उसमें से एक हमें पसंद आई तो फिर हेमी जी हमारे साथ गई और हम लोगों ने जाके शॉपिंग किया और हमने वहाँ एकदम जितना पैसा था इमीडिएट गोल्ड खरीद लिया। ये इसी बिजनेस में पॉसिबल है कि आप जो चाहो और जब चाहो आप खर्च कर सकते हो, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो, बाकी कहीं नहीं। बाकी आप लोग अपने ड्रीम दबाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अब जो ड्रीम नहीं भी हैं वो आपको ड्रीम बनाने पड़ेंगे और वो आपके 100% सच होके रहेंगे। अब मैं आपके सामने अपने लाइफ के हीरो और इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर और सबके दिलों में छाने वाले माय हस्बैंड मिस्टर पंकज डोरिया हेल्प मी वेलकम। मैंने क्या किया, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मैं आज आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं मेरठ में फिल्म बनी थी एक भारत के लाल, उसमें काम किया और मेरी क्वालिफिकेशन तो आप सब लोग जानते ही हैं, आई एम हाईली क्वालिफाइड। मैं MA BF TT IAS हूँ। ये डिग्रियाँ किसी के पास में हैं मुझे तो पता नहीं, सिर्फ मेरे पास में ही हैं। मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल 3 times इन ऑल सब्जेक्ट्स। हमारे पिताजी का सपना था पंकज को IAS कराएंगे और सुनिए, और मम्मी कहती थी हम पंकज को डॉक्टर बनाएंगे, दोनों में झगड़ा होता था और मैं 3 times फेल। लेकिन दोस्तों आज हमारे मम्मी पापा का सपना पूरा किया ईश्वर ने। कैसे, आज उनका लड़का जो मैट्रिक में 3 times फेल हुआ, आज हमारे बिजनेस में बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, IAS ऑफिसर हैं। आज मैं उनको टीच करता हूं कि आपको 3% कैसे पहुंचना है। तो 3 times फेल इन मैट्रिक बट क्वालिफाइड एमरल्ड गोइंग डायमंड। तो पढ़ाई लिखाई तो हमारी ऐसी थी, फिल्म बनी मेरठ में और हमने इप्टा थिएटर ज्वाइन किया, चस्का लग गया एक्टिंग का और हमारा नाटक देखने के लिए दिल्ली से लाल बहादुर शास्त्री के सुपुत्र हरिकिशन शास्त्री देखने आए थे। उन्होंने कहा पंकज तो तुम किस्मत क्यों नहीं आजमाते, अपनी बॉम्बे जाओ, तुम अच्छे एक्टर हो। मैंने कहा मुझे बॉम्बे में कोई जानता नहीं है। बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख कर देता हूँ। और उन्होंने श्री अमिताभ बच्चन साहब के नाम एक चिट्ठी लिख कर दी और 19 September 1987 को मैं बॉम्बे आ गया फिल्म एक्टर बनने। एक्टर बनने आया, सोचा था बच्चन साहब की चिट्ठी काम दे देगी, लेकिन काम नहीं मिला। फिर मैंने इप्टा थिएटर ज्वाइन किया बॉम्बे में और वहाँ नाटक करने शुरू किए। उस समय मैं बहुत हकलाया करता था, मैं बोल भी ठीक से नहीं पाता था, लेकिन मैं एक्टर बनने आया था, मुझे विश्वास था कि मैं एक्टर बन जाऊँगा क्योंकि मैं कभी भी स्टेज पर नहीं हकलाता था। हमने बहुत स्ट्रगल किया, कभी शूटिंग हुई 2 days 20 days खाली, कभी 10 days शूटिंग हो रही है तो मुर्गे उड़ रहे हैं और अगले दिन दाल का भी पता नहीं। बहुत बुरा फेस देखा फिल्म लाइन में। फिल्मी दुनिया में ऐसा होता था कि हमारे पास में रहने को जगह नहीं थी। पिताजी ने 3900 रुपये दिए थे कि बस यही पैसे हैं, उसके बाद में कुछ नहीं मिलेगा। वही पैसे थे, हमने बहुत बुरा फेस देखा। खाने को रोटी नहीं होती थी, लेकिन कभी पिताजी से नहीं मांगते थे क्योंकि वहाँ की माली हालत अच्छी नहीं थी। हमारे सामने कोई भी आता था, हमें लगता था काश हमें ये 2 days के लिए अपने घर में रहने के लिए जगह दे दे, या हमको ये 2 days ये 2 वक्त का रोटी खिला दे, खाना खिला दे। हमने ऐसा फेस देखा फिल्म लाइन में। धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते हमको CL मिला और ये शादी नहीं हो सकती, महायज्ञ Seahawks 3 CL TV पे चल रहे थे, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे दोस्तों। 9.5 lakh रुपया फिल्मी दुनिया में फंसा हुआ था। आजकल होता था नहीं मिलता था। तभी पता नहीं भगवान का दूत सईम झा, उनका एक फोन आया हमको कि पंकज एक मीटिंग है और तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है, तुम पहुंचो।
मैंने सोचा ये राइटर हैं, शायद इन्होंने मेरे लिए कुछ रोल लिखा है। मैं अपने फोटोग्राफ लेकर वहाँ पहुँच गया और जहाँ पहुँचा था तो फरजाना एडम, हमारी ग्रेट अपलाइन, वो प्लान दिखा रही थी। और जैसे उन्होंने बोला कि आज एक बिजनेस मीटिंग है, मैंने अपना माथा ठोक लिया कि कहाँ मुझे फंसा दिया यार। मुझे बुलाया था एक्टिंग करने के लिए या बिजनेस दिखाने के लिए? बड़े बेमन से मैंने बिजनेस देखा और बीच बीच में सोचता था कि अब उठ के भागूंगा, लेकिन मैं बहुत दूर बैठा था, उठा नहीं। और किसी तरह से प्लान देखा, प्लान में एक चीज़ समझ में आई कि इसमें अगर दूसरों की मदद करते हैं तो आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है। तो मैंने सोचा, दोस्तों बचपन से मेरे पिताजी के एक संस्कार थे जो मेरे अंदर थे। हमारे पिताजी कहते थे, अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो दूसरों के काम आओ। तो ये जज्बा लेके मैं फिल्मी दुनिया में गया था और मैंने देखा कोई एक्टर है, इसको काम नहीं मिल रहा, उसको मैंने नंबर दे दिया, उसको काम मिल गया। कोई सिंगर है, उसको बुलाया, नंबर दे दिया प्रोड्यूसर का, उसको काम मिल गया। इस तरह से मैं 13 सालों में 327 लोगों का माध्यम बना फिल्मी दुनिया में। देने वाला तो ईश्वर था, लेकिन धरती पर आकर ईश्वर खुद तो नहीं देता है। तो मैंने सोचा कि मैं ये काम तो फिल्मी दुनिया में कर ही रहा हूँ ना, इसमें सिर्फ लोगों को इकट्ठे करना है ना, तो ये तो काम मैं कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ ये फीलिंग हुई और मैं एक सुधा जी के, फरजाना जी के कहने पर हम एक सेमिनार में गए, लीला एक होटल है बॉम्बे में, वहाँ गए। और वहाँ जाकर जब बड़े बड़े लोगों को देखा, कांति गाला, राज शाह, मणिपाल जी, इनको देखा कि ये लोग इतने बिजी होने के बाद ये बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको लगा कि हमको भी करना चाहिए। और हमने डिसाइड किया और घर पे आके हमने अमिता जी को बोला कि हम बिजनेस कर रहे हैं। अमिता जी ने कहा कि तुम और बिजनेस, ये मुंह और मसूर की दाल, तुमने जिंदगी में कभी बिजनेस किया है? छोड़ो, काम करो, टाल दिया। मैंने कहा मुझे 4,200 रुपये दे दो, मुझे बिजनेस करना है। उस समय फाइनेंस डिपार्टमेंट जो था वो अमिता जी के हाथ में था, जो भी था। तो दोस्तों उन्होंने तुरंत मना कर दिया। तो मैंने क्या किया, हमारे ससुर जी ने अमिता जी के नाम 10,500 रुपये की एक FDR भेजी थी जो बैंक की शोभा बढ़ा रही थी। बस हमारी निगाह उस पर पड़ गई और हमने क्या किया, पैसे निकाले 4,200 और जाकर किट ले आए। और जैसे किट घर में लेके आए, अमिता जी ने कहा ये किट उठाओ बाहर फेंक दो। मैंने कहा बिजनेस है, वर्ल्ड टूर घूमेंगे। बोले खबरदार जो बिजनेस का नाम लिया। बहुत बोला, लेकिन मैंने भी अच्छे पति का फर्ज निभाया, इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया। मैंने कहा कुछ भी कर लो, अब तो बिजनेस शुरू हो गया। और इस तरह बिजनेस शुरू हुआ। और सुधा जी के यहाँ ल्यूरीगंज साहब आने वाले थे, हमने फरजाना जी को बोला एक फ़ोन कर दीजिए आप अमिता जी को, शायद आ जाएं। उन्होंने फ़ोन किया और किसी तरह अमिता जी राज़ी हो गई और ल्यूरीगंज साहब को सुनने के बाद उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो दोस्तों हमारी शुरुआत ऐसे हुई थी। अब बिजनेस तो शुरू कर दिया और मैंने सोचा, मैंने इतने लोगों को काम दिलवाया फिल्मी दुनिया में, मैं तो जिसको बुलाऊंगा वही आ जाएगा। तो क्या किया कि हमने सब लोगों को फ़ोन करके बोला, आ जाओ मीटिंग है फरजाना जी के यहाँ। बोले क्या रोल दिलवा रहे हो? मैंने कहा हाँ रोल दिलवा रहा हूँ, जिंदगी भर याद रखोगे ऐसा रोल दिलवा रहा हूँ, आ जाओ। और लोग आ गए। दोस्तों मैंने एक हफ्ते में 100 लोगों को बुलाया और 100 लोगों में से 97 लोगों ने बोला अच्छा तुम्हारी गाड़ी देखेंगे, तुम्हारा चेक देखेंगे, अच्छा बिजनेस करोगे। सब लोगों ने मना कर दिया। 3 लोगों ने बिजनेस साइन किया, तीनों के तीनों आज DD हैं और मैं एमरल्ड हूं। क्या फर्क पड़ा? 97 लोगों के मना करने के बाद भी मैं एमरल्ड हो गया दोस्तों। तो कम से कम आप 97 ना तो सुन लो। तो दोस्तों बिजनेस ऐसे स्टार्ट हुआ मेरा। मैं सोचता था ये आ जाएगा, कोई नहीं आया। उसके बाद हमारे अगले महीने 18 लोगों ने साइन किया, 18 लोगों ने। मैं फूल के कुप्पा की, मैं तो क्राउन एम्बेसडर बनने वाला हूं। लेकिन दोस्तों उसी महीने में 16 लोगों ने अपनी किट वापस कर दी। आहा। तो दोस्तों जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी अगर हो रहा है तो आप भी जल्दी एमरल्ड बनने वाले हैं। अब क्या हुआ, बिजनेस कैसे करना था? सुधा जी ने बोला पंकज जी ये कैसेट हैं, ये सुन लो। मैंने कहा ये क्या है?
बोले ये इनकी कैसेट है, इनकी कैसेट है, ये कैसे सुनो बिजनेस होगा। मैंने कान पे लगाया तो वहाँ वहाँ फाना दावा फाना कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। मैंने कहा मैं हिंदी भाषी और अंग्रेजी में कैसेट, कुछ समझ में नहीं आया। हमने कहा उठाओ ये कैसे वैसे हमारे काम का नहीं है। बोले मीटिंग में आओ। तो दोस्तों ना मीटिंग में जा रहे थे ना कैसेट सुन रहे थे, पूरी तरह से हम फॉलो नहीं कर रहे थे। सुधा जी को देख के ये तो लगा कि एक देवी देवी का अवतार है राधा स्वामी की, वो संत औरत, क्योंकि वो राधा स्वामी का नाम बहुत लेती थी। तो मैंने देखा उनके घर में राधा स्वामी के फोटो लगे हुए हैं। मैंने कहा आपने ये बिजनेस क्यों साइन किया? बोले मुझे भगवान की प्राप्ति चाहिए, मुझे मोक्ष प्राप्ति चाहिए और वो ये बिजनेस दे सकता है। मैंने कहा मोक्ष प्राप्ति कैसे? तो उन्होंने समझाया। तो उनको देख के मैंने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया। उस समय मुझे एमवे पे फेथ नहीं था, मुझे फेथ था सुधा कपूर जी पर। उनको देखकर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन सिस्टम में नहीं थे, कुछ नहीं कर रहे थे। इस तरह से हमारे ग्रुप में 7 महीने में 55 लोग हो गए और हमारा बिजनेस ऐसे ऐसे चल रहा था, कभी चलता था कभी नहीं चलता था। हम सोचते थे यार ये सारे लोग सफल हो रहे हैं फिर हम क्यों नहीं हो रहे हैं। 7 महीने बाद मुझे एक सीरियल मिला राजा का बाजा दूरदर्शन पर। 500 एक्टर में से मुझे सेलेक्ट किया गया और दरोगा के रोल के लिए मैं खुश, और मैं जैसलमेर जा रहा था शूटिंग के लिए। 50,000 रुपये पर मंथ, 4 महीने की शूटिंग। उसके बाद जैसे सुधा जी को पता चला कि पंकज शूटिंग पे जा रहा है, उन्होंने फ़ोन किया पंकज तुम शूटिंग पे जा रहे हो? मैंने कहा यस। बोले तुम्हारे 55 लोगों को कौन संभालेगा? मैंने कहा आप है ना संभालने के लिए। बोले पंकज ये तुमको रिलेट करते हैं, हमको रिलेट नहीं करते हैं। जब तुम वापस आओगे तुम्हारे ग्रुप में एक भी आदमी नहीं बचेगा, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मैं उस समय 9% था। मैंने कहा सुधा जी कुछ भी हो मैं शूटिंग नहीं छोड़ सकता, मेरा तो एक ही तो सपना है। बोले अच्छा एक काम करो, अमेरिका से पैट कॉफमैन आए हुए हैं उनसे मिलने चलो। तो मैं, सुधा जी, विनोद जी, फरजाना एडम और हमारे महागुरु सुमित बहादुर एंड तान्या बहादुर जी, हम लोग गए। पैट कॉफमैन साहब अंग्रेजी में बात करते थे, सुमित जी मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताते थे। पैट कॉफमैन साहब ने मुझसे एक सवाल पूछा, पंकज एमवे और फिल्म लाइन में से चुनने के लिए बोला जाएगा तो क्या चुनोगे? मैंने कहा फिल्म लाइन। बोले तुम्हारा सपना क्या है जिंदगी में? मैंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड है ना ऑस्कर, मुझे वो लेना है। बोले अच्छा। बोले तुम वो कैसे मिलेगा? मैंने कहा जब एक अच्छी फिल्म बनेगी, और अच्छा एक्टर तो मैं हुई, इंडस्ट्री का डायरेक्टर अच्छा होगा, राइटर को लूंगा और खुद की फिल्म बनाऊंगा। बोले कितने की फिल्म बनेगी? मैंने कहा करोड़ों का बजट होगा। बोले तुम्हारे पास है इतना पैसा? मैंने कहा है तो नहीं लेकिन फिल्म लाइन में कमाऊंगा। पैट कॉफमैन साहब ने कहा पंकज अगर तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए हम लोग आपकी मदद करें तो? मैंने कहा कैसे? बोले पंकज अगर तुम सिर्फ 3 से 5 साल के लिए सिर्फ एमवे करो और फिल्म लाइन छोड़ दो तो? मैंने कहा अगर 3 से 5 साल के लिए मैं फिल्म लाइन छोड़ दूं तो 5 साल के बाद मेरे पास क्या होगा? उन्होंने कहा पंकज तुम 5 साल के बाद ऐसी फिल्म बना सकते हो जो तुम चाहते हो, इंडस्ट्री के किसी राइटर को साइन कर सकते हो, डायरेक्टर अच्छा ले सकते हो, बेस्ट एक्ट कर सकते हो और तुम्हारा ऑस्कर का सपना पूरा हो सकता है। दोस्तों मुझे पैट कॉफमैन के ऊपर विश्वास नहीं था क्योंकि मैं तो पहली बार मिल रहा था, लेकिन सुधा जी ने कहा पंकज हम इनके घर जा चुके हैं। मैंने कहा अच्छा ये आदमी की इनकम क्या है? जब उन्होंने मुझे इनकम बताई कान में कि ये इतना कमाते हैं पर मंथ, मैंने कहा सच्ची? बोले मुच्ची। उन्होंने कहा पंकज ये सच है? मैंने कहा इतने में तो 10 फिल्में बन सकती हैं। दोस्तों उस दिन था 14 दिसंबर, 7 महीने से बिजनेस में था, 9% पे था। उस दिन विश्वास हुआ पैट कॉफमैन को देखकर, सुधा जी पर देखकर, और ये डिसाइड किया कि 5 साल तक सिर्फ एमवे करूंगा और कुछ नहीं करूंगा और आज आपके सामने एमरल्ड हूं। मैंने 2 लाख का काम छोड़ा दोस्त। जब 5 दिन का आदमी भूखा हो ना, जब रोटी ना खाए उसके दिल से पूछो। एक एक पैसे वो तरस रहे थे और मैंने 2 लाख का काम छोड़ा था उस समय, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था। आप लोग बिजनेस में हैं बहुत दिन से होंगे, शायद डिसाइड नहीं किया होगा। बिजनेस साइन करने से नहीं चलता, बिजनेस डिसाइड करने से चलता है दोस्त। जब तक डिसाइड नहीं करोगे कहां जाना है, कहां पहुंचना है, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। उसके बाद मैंने कहा सुधा जी अब बताइए क्या करना है। हमको पैट कॉफमैन साहब ने, सुधा जी ने, सुमित जी ने सब बताया, पंकज तुम इस महीने यहां पहुंच सकते हो, इस महीने यहां, इस महीने यहां। सिल्वर कप जाना चाहते हो?
मैंने कहा 25 मार्च को मेरी वाइफ का बर्थडे है, मुझे 25 मार्च को सिल्वर जाना है। बोले उससे पहले पहुंच जाओगे, करना क्या पड़ेगा? बोले ये करना पड़ेगा। उन्होंने पूरी तरह से हमको प्लान बताया कि ये करो। मैंने कहा सबसे पहले, बोले कैसेट सुनो। मैंने कहा लाओ तुम्हारी अंग्रेजी वाली कैसेट, राज शाह जी की कैसेट। कान पे लगाई, सुना। एक चीज समझ में आती थी, दो चीज समझ में नहीं आई। सुनते गए। पाटकर हॉल में ब्रिट ओपन होता था, हम वहाँ जाना शुरू किया। विनोद जी ने कहा पंकज 3 महीने के लिए तुम कोई भी ब्रिट ओपन छोड़ना मत, उसके बाद तुम 4th महीने मत जाना, लेकिन 3 महीने मत छोड़ना। वो जानते थे कि 4th महीने तो आदत पड़ जाएगी ना। तो हम सब जाना शुरू किया, सब कुछ करना शुरू किया, प्लान दिखाना स्टार्ट किया उसके बाद। और जब पहला प्लान दिखा रहा था तो हाथ ऐसे कांप रहे थे। मैंने कहा मैं एक्टर, हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि मैं टीचर नहीं था। और जब हाथ कांपते हाथों से प्लान दिखाया तो 3 लोगों ने साइन कर दिया। मैंने कहा जब कांपते हाथों से 3 लोग साइन कर सकते हैं तो मेरा प्लान बेस्ट। मैंने कहा सुधा जी अब आपकी जरूरत नहीं है, प्लान मैं खुद दिखाऊंगा। और प्लान दिखाना स्टार्ट किया। सुधा जी ने कहा पंकज इस बिजनेस में ना सफलता पानी है ना, तो जितने ज्यादा प्लान दिखा सकते हो ना उतने दिखा सकते हो, उतने दिखाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप कितने प्लान दिखाती हैं? बोले मैं तो 70 प्लान दिखाती हूँ 1 महीने में। मैंने कहा 70 प्लान? मैंने कहा ठीक है, आपका रिकॉर्ड तोड़ूंगा। अगले महीने प्लान स्टार्ट किया, 127 प्लान दिखाए मैंने 1 महीने में। अब दोस्त, ये जो मैंने डिसाइड किया उसके पीछे जो कारण था, आज मैं आपके सामने जो एमरल्ड हूं, कैसे एमरल्ड हुआ, क्यों एमरल्ड हुआ, कौन सी ताकत काम कर रही थी उसके पीछे? ब्रिट वर्ल्ड वाइड की ताकत उस समय नहीं थी, वो तो बाद में ताकत मिली। उसने तो हेल्प किया मुझे मेरे ड्रीम पूरा करने के लिए, लेकिन सबसे पहले ड्रीम्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि पंकज टिटोरिया 2 साल में एमरल्ड कैसे हुए। आज आपने पंकज का गेन देखा है, मेरा फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हैं आप कि पंकज एमरल्ड हो गए, लेकिन पंकज एमरल्ड कैसे हुआ मेरा पेन नहीं देखा। आज मैं आपको अपना पेन बताऊंगा कि मैं एमरल्ड कैसे हुआ। सुधा कपूर जी ने मुझसे एक सवाल पूछा, पंकज तुम्हारे जिंदगी में सपने क्या क्या हैं? मैंने कहा बहुत बड़ी लिस्ट है। बोले मुझे सब बता दो और कागज पर लिख दो, एक चीज भी मत छुपाना। जिस तरह से मरीज डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाता, तो मुझसे कुछ मत छुपाना, मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो कैसे अचीव हो सकता है। तो मैंने कहा सुधा जी, तो सबसे पहला मेरा सपना है, मेरे ऊपर 5.5 लाख का कर्जा है। दोस्तों मेरे ऊपर 5.5 लाख का कर्जा था। मेरे पिताजी LIC में DM थे और रिटायरमेंट से पहले पिताजी बीमार हो गए थे। पिताजी की बीमारी में हमारा बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ, मेरठ का मकान बिक गया था, पिताजी का सपनों का मंदिर जो उन्होंने खड़े होकर बनवाया था वो 6 लाख में बिक गया था। हमारी 4 बहनों की शादी के लिए हमें अपने बड़े जीजाजी से कर्जा लेना पड़ा था, तो वो कर्जा हमारे सर पे था। हमने कहा हमें कर्जा उतारना है, बोले लिख दो, हमने वो भी लिख दिया। नंबर 2 बर्निंग डिजायर, मेरी छोटी बहन गाजियाबाद में थी, उन्होंने लव मैरिज की थी, उनके हस्बैंड CRPF में थे, उनका जॉब नहीं था। हमने 70,000 रुपये लगाकर उनको एक रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करवाया था, वो फ्लॉप हो गया था। मेरी छोटी बहन बहुत दुखी थी। मैंने कहा सबसे पहले मैं अपनी छोटी बहन को फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहता हूँ, बोले लिख दो, वो भी लिख दिया। तीसरी बर्निंग डिजायर, अमिता जी शादी से पहले, हमारी लव मैरिज है, पेस्ट कंट्रोल के ऑफिस में काम करती थी और 1200 रुपये मिलते थे उनको, और 1000 रुपये मुझे वो बॉम्बे भेजा करती थी। और मैं उन दिनों VT स्टेशन पर फुटपाथ पर सामान बेचा करता था, और गोरेगांव ईस्ट में स्कूटर कॉलोनी में झोपड़पट्टी में रहता था मैं। तो मैंने, अमिता जी ने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो मैंने कहा देखिए अमिता जी ने मुझे आज मेरे साथ ऐसा किया है। उसके बाद हमारी शादी हुई, फिर अमिता जी ने ट्रांसफर लिया ONGC में, और इस तरह से हमारे बच्चे 7 साल 8 साल बेबी सिटिंग में पले। तो मैंने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बेबी सिटिंग में पलें, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे उसकी माँ के हाथ में पलें, मैं चाहता हूं मेरी वाइफ जॉब ना करे। शादी के 8 सालों के बाद आप यकीन कीजिएगा, मैंने अपनी वाइफ को, अमिता जी को, साड़ी तो बहुत दूर की बात है, एक रुमाल भी खरीद कर नहीं दिया था। दोस्त मेरी वाइफ हमेशा कहती थी कि मुझे तुम चिंता मत करो, मेरे लिए एक चीज बहुत कीमती है, तुम मुझे वो दे दो सिर्फ। और वो मुझसे सिर्फ हमेशा बिंदी का पत्ता मांगा करती थी, और मैं सिर्फ उनको बिंदी लाके देता था। तो हमने कहा कुछ ऐसा कर दो कि हम अपनी पत्नी के सपने पूरे कर सकें।
हमें उनको जॉब नहीं करवाना है। बोले लिख दो तुम्हें कब छुड़वाना है, लिख दो। दोस्तों मैंने ऐसा दिन देखा है फिल्मी दुनिया में, सीरियल टीवी पे चल रहा है मेन विलन, और मेरी बिटिया का बर्थडे है और उसका केक काटने के लिए मेरे पास 50 रुपए नहीं है। मैंने वो दिन देखा है। हमारे बच्चों को हमने बहुत चीजों के लिए मना किया, नहीं बेटे तुम्हें ये नहीं मिल सकता, तो हमारा दिल बहुत दुखता था। तो हमने कहा कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। बोले लिख दो सब कुछ क्या चाहिए। हमारे बड़े ब्रदर मेरठ में टैक्सी ड्राइवर, उनके 4 बच्चे, हम उनको फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते थे, हमने वो भी लिख दिया। मेरी वाइफ कहती है कि मैं अपने घर का बेटा हूं, हमारे 2 ब्रदर हैं, हम उनको सेटल करना चाहते हैं, हमने वो भी लिख दिया। हमारा मेरठ का मकान जो 6 लाख का बिक गया था, अगर पिताजी जिंदा होते तो कभी नहीं बिकने देते, आज उस मकान में कोई और रहता है। मैं चाहता हूं वो मकान मुझे वापस लेना है, मैंने वो भी लिख दिया कि एट एनी कॉस्ट मुझे वापस खरीदना है। फिल्मी दुनिया में मैंने वो दिन देखा, मैं 3 दिन का भूखा था, मेरे पास खाने को पैसा नहीं था, और मैं गोरे गांव से और मैरिन लाइंस गया था चल के, मैरिन लाइंस, और एक आदमी को जाकर, एक प्रेस वाला था सिराज, उसको जाके बोला था कि मैं मर जाऊंगा अगर मैंने खाना नहीं खाया। वो आदमी मुझे ले गया चर्चगेट पर, और भिखारियों की कतार में खड़ा होकर उसने मुझे, 13 आदमियों के बीच में मैंने खाना खाया था। वो दिन मेरे याद था। मैंने कहा वो दिन मुझे नहीं देखना है। दोस्तों जैसे बिल्ली चूहे को दबोचती है ना, मैंने इस बिजनेस को ऐसे दबोच लिया था कि अब नहीं छोड़ूंगा, यही वो बिजनेस है जो मुझे मेरे सपने को पूरा कर सकता है। तो हमने वो सारी चीजें वो सब कागज पे लिख दी और दीवार पे चिपका दी। मैंने कहा सुधा जी ने बोला है ना, इसका मतलब 100% पूरा होगा। और आज 2 साल हुए हैं, आज सब कुछ पूरा हुआ। आज हमारे पास 5.5 लाख का कर्जा नहीं है, आज हम फाइनेंशियल फ्री हैं। आज हमारी छोटी बहन 15% पर है, उनसे बड़ी सिस्टर LIC में ऑफिसर हैं, वो इस महीने 12% जा रही हैं। उनसे बड़ी सिस्टर शाहदरे में हैं, आज वो 15% पर हैं, और हमारी बड़ी सिस्टर वो मॉडल टाउन में दिल्ली में सिल्वर हैं दोस्तों इस बिजनेस में। 50 रुपए का केक काटने के लिए पैसे नहीं थे एक दिन, आज 2 लाख का केक काट सकता हूं अपनी बिटिया के लिए, इसलिए बिजनेस किया। अमिता जी को बहुत मना किया मैंने चीजों के लिए, अब नहीं मना करता हूं। जब भी बोलती है ये ले लूं, ले लो, ये ले लूं, ले लो, मैंने कसम खाई है कभी मना नहीं करूंगा जिंदगी में, इसलिए बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। जिस आदमी ने ज्यादा दुख देखे होंगे वो इस बिजनेस में जल्दी डायमंड बनेगा दोस्तों, 100% सच है। आप मेरे घर पर आइए, जिंदगी में मुझे जो चाहिए वो मेरे घर की दीवारों पर चिपका है। एक एक चीज जैसा मुझे लाइफ में अपने को देखना है, मैं जैसा बनना चाहता हूं, मैंने वो भी लिखा है सब कुछ। मैं इस बिजनेस के लिए चेंज हुआ। सुधा जी ने कहा पंकज जो तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं ना वो छोड़नी पड़ेंगी। मैंने सब कुछ छोड़ा। फिल्मी दुनिया में क्या थे हम, कचरा लाइफ जी रहे थे। शूटिंग के बाद एक ही काम होता था, चलो बैठते हैं, बंबई का पैट डायलॉग, बैठते हैं। क्या बैठते थे, दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे, झूठ बोलते थे, अकाउंटेबल तो पता ही नहीं था क्या वर्ड होता है। गोरे गांव से जो हम जाते थे चर्च गेट, WT सफर करते थे लोकल ट्रेन में, पकड़े गए तो 52 रुपए दे देंगे, सब कुछ करते थे। लेकिन आज 2 साल हो गए दोस्तों, दारू छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, आज ईमानदार हूं दोस्तों, बिकॉज ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड ब्रिट सिस्टम। तो मैं सीखने को तैयार था। जो आदमी चेंज होने को तैयार है, सीखने को तैयार है, अपनी गंदी आदतें छोड़ने को तैयार है, उसके लिए बिजनेस है। एक एक सपना आज हमारा पूरा हुआ है। आज हमारे बड़े ब्रदर भी मेरठ में जो हैं वो भी इस बिजनेस में हैं। आज हमारे 2 ब्रदर-इन-लॉ हैं, वो भी 12% पर और 15% पर हैं। आज खुशियों का ढेर लग गया है हमारे घर में। आज जो खुशियां हमको मिली हैं दोस्तों, हम चाहते हैं कि जो इस हॉल में हमें सुन रहा है वो सब ये खुशियां आपको भी मिलें, सब जो आज हमको मिली है। तो इसके पीछे, एमरल्ड बनने के पीछे हमारी ताकत थी, हमारे सपने। हमारी सिस्टर कहती थी भैया दूज आ गया, रक्षाबंधन आ गई, आ जाओ राखी बांधनी है। हम झूठ बोलते थे कि हम शूटिंग पे ऊटी जा रहे हैं, ऊटी नहीं जाते थे, बॉम्बे में थे, लेकिन बहनों को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, इसलिए हमने ये बिजनेस को बिल्ड किया। आज कसम खाइए कि अपनी भांजियों की शादी में एक एक गाड़ियां देंगे, अब दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरा बचपन से सपना था कि मुझे ऑस्कर लेना है,
100% पूरा होगा। जब मैं डॉक्टर ने कहा पंकज तुम स्कूटर मत चलाओ, हमारी वाइफ ने 92 में हमें बजाज चेतक दिया था स्कूटर, हम उस पर स्ट्रगल करते थे, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, आज हमने गाड़ी भी ले ली, आज सब कुछ है, लेकिन उस समय नहीं था, लेकिन ये विश्वास था कि हम ये सपने पूरे कर लेंगे। हम 40-40 किलोमीटर स्कूटर पे जाते थे, कभी ऐसे बैठते थे जेड़े होकर, कभी ऐसे बैठते थे, और जब रात को 12-1 बजे प्लान दिखा के वापस आ रहे होते थे ना, तो भगवान से पूछता था, भगवान तू देख रहा है मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे सफलता मिलेगी, ऊपर से आवाज आती थी तू डायमंड बनेगा, चिंता मत करना, यही करता जाना। भगवान की शक्ति हमारे साथ थी, भगवान के ऊपर विश्वास था कि जो हम कर रहे हैं ना वो हमें मिलेगा। तो मेरे सपने थे मेरे पीछे, अगर आपके सपने भी दीवार पर चिपके हैं तो आपको भी वो सब मिल सकता है। हमको इस बिजनेस से पता चला कि सपने दीवार पर लिखने से, रोजाना देखने से पूरे होते हैं। तो मैंने डिसाइड किया दोस्तों, आज जो लोग डिसाइड कर लेंगे उन्हीं के लिए बिजनेस है, जब तक डिसाइड नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। माइंडसेट, ये बिजनेस आपके लिए क्यों जरूरी है, ये तो मैंने अपने लिए बताया, ये तो मेरे सपने हैं, मुझे नहीं पता आपके सपने क्या हैं, मुझे आपके सपने नहीं पता, आप अपने सपने निकालिए। लेकिन हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हम तो बहुत बिजी हैं। बिजी हो? हाँ। क्या करते हो? 6,000 रुपये मिलते हैं, आप 6,000 रुपये कमाने में बहुत बिजी हैं, आपके पास ये बिजनेस बिल्ड करने का समय नहीं है। आप 6,000 रुपये कमाने में इतने बिजी हैं, आपको 1,00,000 रुपये कमाने का समय नहीं है। आप 6,000 रुपये कमाने में इतने बिजी हैं, आपको अपनी मम्मी पापा के पास जाने का समय नहीं है। आपके मम्मी पापा गांव में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, 3 साल मिले हो गए हैं, कब जाएंगे मिलने के लिए, कब जाओगे, आपके पास समय नहीं है। आप 6,000 रुपये कमाने में इतने बिजी हैं कि आपको ये समय नहीं है कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, आपका बच्चा कौन से सब्जेक्ट में वीक है, कहाँ बिजी हैं आप, आपके पास दो मिनट अपनी माँ के पैर दबाने का समय नहीं है। आपने शादी फैक्ट्री से की थी या अपनी वाइफ से की थी, कहाँ बिजी हैं आप। तो बहाने मत बनाइए दोस्त, जहाँ बिजी है ना बहुत महान काम नहीं कर रहे हो, आपको ये समय नहीं है कि आपके बच्चे को क्या चाहिए, आपकी वाइफ की डिमांड क्या है, और आप बिजी हैं। आज के बाद मत बोलना कि मैं बिजी हूं। आपके जो माइंड सेट है ना, जब तक माइंड सेट नहीं तोड़ोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। माइंड सेट क्या है? एक हाथी होता है और हाथी को एक छोटी सी जंजीर से ऐसे बांध देते हैं, और महावत उसको बांधता है एक जंजीर से, और उसके माइंड में ये बैठा देता है कि तुझको बांध रखा है, और वो बंधा रहता है, बंधा रहता है। और वही महावत उस हाथी को खोलकर जंगल में जाकर बड़ी बड़ी लकड़ियां उठवाता है, बड़े बड़े पत्थर तोड़वाता है उससे, उसको उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है, और उसकी ताकत को अंदाजा, ताकत उसको यूज कर रहा है महावत। सेम हाल आपका है, हमारा था, हम बिजी थे, किस जगह बिजी थे। आपने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इतनी पढ़ाई लिखाई की, और आपको 6,000, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 से ऐसा बांध दिया है कि आपको सिर्फ वही दिखता है। आप काम करते हैं, अरे आपको जो आज मिलता है क्या आप उतने के लायक थे या उससे ज्यादा के लायक थे, बताइए, ज्यादा मिलना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, आपको 6,000, 10,000 से ऐसा बांध रखा है आपके बॉस ने कि सारी जिंदगी काम करो, और उसके बाद में फिर आपकी वो टांग बांध रखी है, कभी भी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। और यही आपके बॉस, यही लोग बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, आपकी ताकत यूज कर रहे हैं, और आपके सामने सिर्फ 6,000, 8,000, 10,000 फेंक रहे हैं, और आप उसी में खुश हो जाते हैं। माइंड सेट, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, तो आप जॉब कर रहे हैं। कभी आपके माइंड में बैठाया था कि तुम 2,00,000 रुपये कमा सकते हो? मुझे नहीं सिखाया कभी किसी ने, हमारे माँ बाप ने, कि तुम 2,00,000 कमा सकते हो, 3,00,000 कमा सकते हो, तो माइंड में 2,00,000 की पिक्चर बैठती नहीं है। तो जब तक माइंड को तोड़ोगे नहीं, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आज मैं कहाँ बिजी हूँ और मुझे क्या करना चाहिए था, तब तक आपको ये बिजनेस समझ में नहीं आएगा। ये बिजनेस की जरूरत क्यों है? हमारे यूपी में कहावत है, जवाई ले गई बेटी, बहू ले गई पूत, और हम रहे ऊत के ऊत। सुना है आपने? इसका मतलब पता है क्या है? बेटियों की शादी कर दो, बेटियां अपने घर की हो गई, और बेटों की शादी कर दो, मेरे बुढ़ापे के सहारे, मेरे 2 बेटे, एक ने बोला पापा मेरा जॉब लग गया भोपाल में, मैं तो जा रहा हूं, वहीं लड़की ढूंढ ली है, वहीं पर सेटल हो जाऊंगा, मेरा शेयर लाओ,
शेयर, हिस्सा, यूपी में बहुत चलता है हिस्सा। एक ने कहा पिताजी मेरा जॉब लग गया पूना में, मैं भी चला, मेरा भी हिस्सा लाओ। आपके घर के दो चिराग जिन पर उम्मीद थी कि मेरे बुढ़ापे के सहारे, दोनों चिराग छोड़ के चले गए, अंधेरा हो गया। क्या बचा तुम्हारे पास? हरिद्वार जाने के पैसे नहीं बचते हैं, हकीकत है ये। 98% लोग आफ्टर रिटायरमेंट या तो बच्चों पर डिपेंड करते हैं या रिलेटिव पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों मेरे पिताजी के तो देखा है जब सिक्योरिटी क्या होती है। मेरे पिताजी की सिक्योरिटी, जब तक LIC में DM थे ना, मुझे लगता था कभी इसका जॉब लगवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लोग सलाम मारते थे उनको। और जैसे ही पिताजी बीमार हुए, बिस्तर पकड़ा, एक आदमी भी उनको पूछने तक नहीं आया था। तो दोस्तों जिस कुर्सी पर आज आप बैठे हैं, जिसको आप समझते हैं कि ये कुर्सी आपकी अमर है, ये अमर कुर्सी नहीं है आपकी, एक दिन आपके नीचे से निकलने वाली है। तो जब कुर्सी साथ नहीं देगी, आपके बच्चे साथ नहीं देंगे, मतलब परस दोस्त साथ नहीं देंगे, तब आपको MV बिजनेस की रॉयल्टी इनकम साथ देगी। दोस्तों दुनिया के किसी बिजनेस में मैंने ऐसी सिक्योरिटी नहीं देखी। 13 साल फिल्मी दुनिया में काम किया, आज मुझे कुछ हो जाए तो क्या मेरे बच्चों को कोई इनकम आएगी? आएगी नो। मेरी जगह मेरी वाइफ काम कर सकती है? एक्टिंग नहीं कर सकती। क्या होगा? ये सोच सोच के कांप जाता था कि कल को क्या होगा। फिल्मी दुनिया में बर्बाद ज्यादा हुए, आबाद बहुत कम लोग हुए। मैं नहीं चाहता था बर्बाद होना, इसलिए मैंने इस बिजनेस को देखा और इमीडिएटली इसको लिया। आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपके जॉब में सिक्योरिटी है, लेकिन आपके अंदर क्या सिक्योरिटी है? जरा सी देर में आपका पैर गया, गए, रात को सोए, सुबह उठे पता नहीं, सुबह निकले रात को पहुंचेंगे पता नहीं, क्या सिक्योरिटी है? है सिक्योरिटी किसी के पास? नो सिक्योरिटी। मैं आज आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं, मैंने की थी, मैं कांप गया था। इसका जवाब सुनिए, आज रात को घर जाना, 1 बजे रात को उठना और अपने पूरे सोते हुए परिवार को देखना और कोने में खड़े होकर यह देखना, अपनी पत्नी का फेस देखना, अपने बच्चे का फेस देखना, अपने मम्मी और पापा का फेस देखना, अपने भाई और बहनों का फेस देखना कि कितने बेसुध होकर वो सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं वो बेसुध होकर? कि कोई एक आदमी है जो उनकी चिंता करने वाला है, आप घर के मुखिया। और यह सोचना 1 बजे रात को कि यह आदमी जो इस घर का मुखिया है, कल को भगवान ना करे कुछ भी हो सकता है, इसकी तस्वीर पर अगर माला चढ़ जाए तो क्या आज मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं जिससे कल को मेरे परिवार को सिक्योरिटी देगा? अगर जवाब ना में है तो आपको इस बिजनेस की सख्त जरूरत है, आपको MV बिजनेस की सख्त जरूरत है। दोस्त आप जाकर सोचना, घर जाकर, जब तक आप सोचेंगे नहीं ना, आपको समझ में नहीं आएगा। आज बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS ऑफिसर, सब लोग ये बिजनेस में हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी कुछ नहीं है, जरा सी देर में कुछ भी हो सकता है। 5,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, पर एपिसोड मिलते हैं मुझे, शूटिंग से रात को लौटते समय अगर कुछ हो जाए मुझे, क्या होगा? सब बर्बाद हो जाएगा। कहाँ गया अच्छा एक्टर? 17 साल का इप्टा का थिएटर एक्सपीरियंस कहाँ गया? आप बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके बैठे हैं, बहुत डिग्रियाँ हैं, भगवान आपको और डिग्रियाँ दें, लेकिन उन डिग्रियों से आपको सिक्योरिटी आपके परिवार को नहीं मिल सकती। ओके? अगर आपको जिंदगी में सिक्योरिटी चाहिए तो आपके पास में सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता, और आपको सिर्फ MV दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। माइंडसेट क्यों है? नेगेटिव थिंकिंग। बचपन से हमारे दिमाग में तू ये नहीं कर सकता, 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 इसलिए हमारे दिमाग में ये पिक्चर बैठती नहीं। कभी हाँ सुना बचपन से आप? ना, ये नहीं करना, ना 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 ये मत करना, ना 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 ये मत करना। बच्चा बोलता है पापा मैं बिल गेट्स बनूंगा, चल बढ़ाया बिल गेट्स बनने, तू बनेगा बिल गेट्स? बिल गेट्स तो बन गया। पापा मैं 5 लाख कमाऊंगा, तेरे बाप ने कमाए थे 5 लाख, तू कमाएगा? तूने BA कर लिया? हाँ पापा BA तो कर लिया, ठीक है तेरा BA कर देंगे आप, और झुंझुनू में तेरे ये लड़की ढूंढ ली हमने, तेरी शादी कर देंगे, तेरी शादी कर देंगे, तेरे 2 बच्चे हो जाएंगे, फिर झुंझुनू से पकड़ना तू बस, और जयपुर आना काम करने, गड़गड़ 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 सारी जिंदगी काट देना भैया। हिंदुस्तान में ये सिखाया जाता भैया,
कभी नहीं बताया जाता तू ये कर सकता, तू ये कर सकता, जॉब 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 कर, पढ़ाई पढ़ाई लिखाई कर, भी जॉब कर। तुम्हारे दिमाग में जो नेगेटिव थिंकिंग है ना उसको तोड़ दो दोस्त। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बीमारी कैंसर नहीं है, या दूसरी बड़ी बीमारी है ना वो नहीं है, सबसे बड़ी हिंदुस्तान में बीमारी है नेगेटिव थिंकिंग। जब तक तुम्हारे दिमाग में ये दुनिया वाले नेगेटिव थिंकिंग देते रहेंगे ना, आप जिंदगी में कभी राइट डिसीजन नहीं ले सकते दोस्तों। दिस इज द राइट डिसीजन। ओके, मैं आज कुछ भी कर सकता हूं, आज मैं फाइनेंशियल फ्री हूं। अपनी वाइफ को लेकर बैंकॉक गए, हेमी गाला जी ने कहा कि ये एक हार है, वाइफ ने पसंद किया, बोले ले लूं, मैंने कहा ले लो, एक झटके में एक सोने का हार ले लिया। वाइफ ने कहा ये ले लूं, हाँ ले लो, 70,000 की शॉपिंग करके आए, 70,000, कभी आज तक मैंने 70 पैसे की भी शॉपिंग नहीं की थी बॉम्बे में, आज ये बिजनेस ने सब दिया है। तो अगर मुझको मिल सकता है दोस्त, तो ये आपको भी मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।